ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ ਗਾ ਬੱਕਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਭਾਈ ਕੋ ਤਾਉਨ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ 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 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰ ਭਾਈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਪੈ ਕਢਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜ ਜੀ ਬੇਨਾ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪੱਪੂ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲ 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 ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਲੂਲਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात आप लोगों की खिदमत में हाजिर है ज़ैद ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब लोग ठीक है उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं हम लोग। तो यार आप लोग देख तो रहे होंगे कि हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और जैसा कि आप लोगों को रिसेंटली ब्लॉग के अंदर मैंने बताया भी था कि आज बत्तर भट्ट की फ़्लाइट है। तो है तो ईद का दिन था लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा सैड दिन हो चुका क्योंकि वो ईद भी नहीं हमारे साथ पूरी गुजार सका क्योंकि उससे थोड़े से काम आ गए थे जिसकी वजह से अर्जेंटली जाना पड़ा था वापस। तो अभी बकर भाई ओहो हाँ जी फूफा जी हाँ जी मैं कहा बुड्ढा था बुड्ढा था तुसी भी चाइना चलोगे आ जाओ जाना तुसी ब्लॉग से तो मत लाना वायरल वीडियो है बटान जाना बस नहीं सामान लोड कर रहे हैं बकर भाई का सामान लोड हो रहा है तो कहते हैं तो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो बस यार ये काफी अच्छा दिन है उसके सारे घर वाले माशाल्लाह उसे ड्रॉप करने के लिए आए हुए हैं। वो पीछे देखे आप कैमरा में से अब शीशा थोड़ा सा गंदा है जिसकी वजह से पूरा प्रॉपर नजर नहीं आ रहा लेकिन अभी उसकी 2 बजे के करीब फ्लाइट है हम टाइम से निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हल्ला गुला भी हो जाएगा बीच। हाँ जी चाबी दे दियो मैनू तुम भी मैं मिल लो बकर बढ़ो मिल लिया फुफो जी ता बना देने वापसी यहाँ तक ठीक हो गया पर यह तुम रोज वीडियो लाया करनी फिर ਆਜਾ ਸਾਧ ਸਾਧ ਵੀ ਆਣਾ ਸਾਧ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਕਰ ਬੱਕਰ ਓਏ ਲਓ ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਧ ਜੋ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਮਿਲਨੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਸਾਧ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਇਹਸਾਨ ਬੱਟ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਦ ਬੱਟ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੂਰ ਕਰਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ लो जी मुंडे का खून इतना गर्म हो चुका है थले कर रहे मुंडे का खून इतना गर्म हो चुका है मुंडा मोटरसाइकिल पे लंबे टूर पे जा रहा है। अल्लाह इसे कामयाब करे जी खैर खैरियत से जाए खैर खैरियत से वापस आए कश्मीर जा रहा है जी सबसे बड़ी बात है कश्मीर जा रहा है बाइक के ऊपर मुंडा टूर करने के लिए इंशाल्लाह एक दिन हम भी जाएंगे लेकिन हम अपनी स्पेशल जो है टूरिस्ट टूरिस्ट बाइक अपनी उस पर जाएंगे। तो बाकी यार एनीवेज होगा जी वेलकम बैक होगा तुम लोग का अनदर ब्लॉग के अंदर और अगर अभी तक आप लोगों ने ज़ैद ब्लॉग को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें उस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें और बकर बाट नु बुला लो हूँ जी। तो फाइनली बकर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया तो बकर भाई जा रहे हैं अब ये बकर भाई माशाल्लाह आके गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं बोल लगा के हैं एक्स्ट्रा बोल लगा के आ गए हैं नहीं नहीं सही माशाल्लाह गाड़ी का माहौल खुशबू माशाल्लाह ठीक हो गई है बेहतरीन हो गया अरे बट रोई ना बकर भाई बकर भाई लास्ट डे इन पाकिस्तान कितनी हार्ट बीट ओ कोई नहीं पाट साहब भाई बनो की हो गया तानू असीं गल कर रहे हुणे पीदल वाली जा के बोर्डिंग पास फा लिए नाल तेरे यार इन्ने के पैसे है होनी तो होनते ही करनी कर सकदे आ आप तो कीमती वक्त से खैर गल तो वो अपने काम नु चला माड़े बंदे नु किथे सान वट मोह लांदा सान वट अमीर आदमी वड्डा ही लोग की सकी कह सकदे बाकी यार आप लोग देख लें ईद है ईद पे सारे लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं खा पी रहे हैं सारा माहौल सब लोग एंजॉय कर रहे हैं हम लोग आए लोग एंजॉय कर रहे हैं हम अपने दोस्त को छोड़ अपने कजन को छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर और ये हमारे लिए तो अच्छी न्यूज़ नहीं कह सकते आप लोग हो सकती लेकिन क्या करें आपसे काम है काम काम जो बहुत ज़रूरी काम है वो काम कामों को हम छोड़ नहीं सकते काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है बाकी बस यार ये बातें ना शेयर नहीं की जा सकती जो कि जो फीलिंग होती है ना बाहर जाने की पहले तो बंदा बहुत खुश होता है लेकिन जब बाद में बंदा सोचता है कि घर वालों से दूर होना है फिर बंदे को यार बहुत ज़्यादा कर लेंगे दुख होता है। आइए शरीफ भाई से पूछते हैं शरीफ भाई आपको कैसी फीलिंग आ रही है तो बाकी बल्कि यार एयरपोर्ट पर जाकर आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं क्योंकि अभी उतना गपशप कर लें अपनी बातें कर लें तो गपशप करके फिर आप लोगों से डायरेक्ट एयरपोर्ट पर जाके मिलते हैं अपने दादू को छोड़ने जा रहे हैं चलिए बट आपको कैसा फील हो रहा है बकर भाई हमसे दूर जा रहा है फिर एक बार आपको आपकी कैसी फीलिंग्स है आपका क्या कह रहे हैं क्या आपका दिल क्या कर रहा है कि बकर भट्ट को जाना चाहिए यहाँ से वापस मोड़ ले बकर ने कहा मेनू ला दो मैं कला चल जाना मेरा किसी चल जाना तुम ला दो गड्डी रोक रही थी बट जी मैं कहना झूले ला लिया हूँ एयरपोर्ट वाले रोड फन दुनिया आ गया नहीं नहीं तू भी ना उतरना मैं जाना मैं मामा पास जाया वेखी नहीं फिल्म
ਕੀ ਨਾ ਆਇਆ ਵਰਨ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਹੋ ਗਏ ਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ काफी क्लीन ने सानू कहा जा रहे हो फिर हमें छोड़ के जा रहे हो यार अब क्या बनेगा हमारा हमारी ईद का मजा खराब करके आप भी जा रहे हो तो भाई यार ये तो बड़ा मसला हो गया ये अब हम सामान निकाल रहे हैं सारा गाड़ी से अपना निकाला ये हमने अपना जो ड्राइवर रखा हुआ था ये सारा सामान रख रहा है ट्राली के ऊपर ये हमारे न्यू ड्राइवर पापा जो हमने रखे हैं ये बकरवाट साहब जा रहे हैं और अब उनको सीओ करने के लिए जा रहे हैं ट्राली चला चल फीलिंग ला ला तो कोई नहीं अपना ही है सामान अपना ही है तो अभी यार बकर भाई को बोर्डिंग पास ले के दे देते हैं बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर देखते हैं सारा हिसाब लगा के क्या बनता है तब तक चक्कर लगाते हैं पट जी बेना तो जफी ब्लॉग करना जफी पाए नहीं खाली खाली जा रहे हैं यार चल चल पहुँच जो कोई रौला रूला आया मैंने फोन कर ली पैरी पाई आ गया उन्होंने ये बकर भाई मारा सी कर गया बकर भाई को बहुत छुट्टी है दस को काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है इसकी वजह से उसकी अब टेंशन पड़ी हुई है पहुँचने की अपनी जल्दी से जल्दी ओए ओए बाकी यार देखते हैं बेचारा अब जहाज में जाके जब बैठेगा फिर आप गाड़ी में बैठ बात करेंगे कल देखेंगे तो चल गया सही बात निकली है कि चलिए आप और ये बकर भाई जी अपना पासपोर्ट चेक करवा रहे हैं और अब चेक करवाने के बाद बकरवाट के अंदर एंट्री होगी चलो जी बकरवाट अल्लाह आपको खैर खैरियत से लेके जाए और खैर खैरियत से वापस आओ अल्लाह खैर करे अब बकर भाई से चले गया हमारी ईदी में रंग में फांक डाल के तो चला गया लेकिन हम अब क्या करें उस बेचारे का काम था उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गए थे जिसकी वजह से दुबई जाना ज़रूरी हो गया था चलो सर देख लीजिए चाचा हूँ लोग लंबा हो जाए मेरा चलो जी सी यू दे चलो जी किधर गया आप चलो जी अल्लाह दे वाले अल्लाह दी सबूत कर दे तानू और आप भी अल्लाह दी सबूत होइए क्या फीलिंग होनी जो ताडे भरा ने जाना बाहर ऐदा लंघ के उस्ताद जी चस आ जानी उदन मैं कहना मैं धमाला पाया जाना इतो मैं कहना चेक कर ला हूं बड़ा औखा वीजा लगा हूं तो चेक कर ला इन भाई ये हमारी गाड़ी देखने हमारे ड्राइवर ने कभी गाड़ी नहीं दिलवाई इसको पता नहीं कब तफीक पड़नी है गाड़ी दिलवाने की हाय हाय बकर भाई ओए होए 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 बकर भाई आप हमें छोड़ के चले गए हो फिर हाय हाय तो यार अभी ठीक ठीक दो मिनट पहले इस पार्ट के शुरू में देख रहे थे आप लोग के ये खाली सीट जो इसके भाई ने मान ली है वो बैठा हुआ था इस सीट के ऊपर बकर बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली बकर बट अंदर चले गया और अब थोड़ी देर के अंदर अंदर ही उसको बोर्डिंग पास जब मिल जाएगा फिर उसको फ़ोन करेंगे फिर आप लोगों को ज़रा फिर मुलाकात करवाएंगे और अल्लाह खैर करे कि खैर खैरियत से पहुँचे वो दुबई
फिर दुबई से वो वीडियो कॉल करेगा, फिर आप लोगों को मिलवाएंगे। और अभी हम फिलहाल कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, मज़ा तो नहीं आएगा लेकिन इस भाई को भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, ये मेरे को ट्रीट खिला रहे हैं पता नहीं। तो अब मैंने तो काफ़ी कहा कि यार चलो कोई नहीं, फिर कभी सही पर कहता नहीं, आज मैंने खिलानी, चलो आज खाते हैं, फिर भाई को पैसे लगाने का दिल कर रहा है तो लगवाते हैं इसके पैसे। रहो फिर भाई जान पैसे बताओ, भाई को कार्ड दो अपना। ये जी हमने अपना टिकट स्कैन करवा लिया, और 50 रुपये भी दो जी से। चलो जी चलो जी चलो जी चलो चलो शुक्रिया जी, सौ ही देता ही है मरे। अच्छा वो सौ दे देना बेचारे दी ईद सी, ईद ही चलो कोई इकट्ठी हो जाती है उन्होंने। चलें जी अभी हम फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम देखते हैं कि शारी भाई हमें क्या चीट देते हैं, तो वो खाते वक्त आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं दोबारा, वहाँ पर जाके आप लोगों से ज्वाइनिंग करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। ज़ाहिद भाई यार टाइम खुद यूँ यार पका दिया ना, इतने अच्छा यार ये हमने KFC निकाल लिया भाई। ये लें जी अपना अपना दो क्रंच बर्गर बोतल दे यार, और ये आ गया जी नोशी बाट का क्रंच बर्गर बोतल दे, और ये बोतल भाई अगे ही पई है, और ये आ गया जी आपके भाई का बर्गर, देखने से तो मेरा ही लग रहा है ये आपके भाई का ही बर्गर है। अरे ये देख रहे हैं आप लोग, और इसके बीच है अपना जी लोडेड फ्राइज, और वो बीच में पड़े हुए हैं जी हॉट विंग्स। ओके हो गया जी। अच्छा तो यार ये हमने लोडेड फ्राइज में उगा लिया है, अब लोडेड फ्राइज चेक कर लें कितने गौर से, लग तो बहुत ज़्यादा चुस्केदार रहे हैं, तकरीबन मैं 6 से 7 माह के बाद खाने लगा उन्हें। आइए तो आप लोगों के साथ मिलकर इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि इसका आज टेस्ट कैसा है। तो लेट्स सी, ये हमने लिया एक अच्छा सा बाइट, और अब इसको करते हैं चेक, और ये व्हाट अ टेस्ट यार, चस आ गई। कौन कौन खा लिया यार, मैं कि ना माउंटन लावा खा लिया, पर माउंटन लावा दी ना दिल नहीं करन दिया, ये डेरी मिल्क वाला केड़ा खाइए यार, केड़ा 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 लोटस मजेदार हुंदा यार। चलो यार फिर तीन लोटस ही आ, या मैं तो कहना बट इंज कर दे, तू अद्धा खा ली अद्धा मैनू दे दी, हैं तू सारा खा लेगा, तू खा लेगा सारा अपना, फिर जो मेरा बचा मेरा भी खा ले। ओके ठीक है यार, जाया नहीं ना करना फिर, ठीक है चलो ओनू दे, ओनू दस फिर ओनू बुलाओ, ओनू कहा भाई जान तीन लोटस लिया दो, केड़ा भाई इत्थे आर्डर देने वाला। यार मैं ये कहना ना कि पैसे की रकम जाए ना, जो तुम जूठे खा लो इन्ना तपते हैं तो फिर मैं कहता दे फिर कोई कर ली, जे तो खा लो गए भाई भला है बोतल वाला दो घुट पई है। तो भाई यार हमने KFC खत्म कर ली थी, तो अब हम आए हैं स्वीट क्रीम के ऊपर, अब बकर के नाम की हम खा रहे हैं अपना क्या कहते हैं आइसक्रीम, क्योंकि बकर भाई तो अब फ्लाइट में बैठ गए होंगे, अब उससे हमारा रबता भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह खैर करे पहुँच जाएगा 4 घंटे तक वो, और उसके बाद अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं जरा 3 लोटस भाई, लोटस ला दो हमें लोटस, लोटे के आइसक्रीम पा के लिया दो सू, इतने कर लो साहब हम वेल ही जी जी कोई तोए तोए जो कोई तोए तोए लानता करनी एक दूसरे बकर भाई बेचारा जाच भी नहीं बैठा, मगरों बकर भाई अगर समझते ना तू इशारा, मैं कह नहीं सकता लोग चलन दिया फैमिली भी लोग वेखते हैं लोग, नहीं तो मैं जिन्या हो अच्छी करा ना इस बंद अवेल आह बंदा ना जरा गड्डी आह बंदा सिख इधर मुकरी थोड़ा हाँ दाढ़ी आ गई है पर पछता जी बकर भाई तुम दसदा ना मूँह तो बकर भाई आ मेरी जान बकर भाई बकर भाई तो मगरों वेल ला तेरे साढ़े को पेट्रोल के पैसे भी कढ़ा दिया इन्ना इन्ना का मुखला सा इन्ना का वेल लंगर नू केड़े देन दिया वा तेरे भरा को तेरे असी क्या यार कोई साढ़े कर ला बकर भाई कोई माड़ा भाई कोई साढ़े शाही भाई को तावन कर अपना ही भरा छे जिन नहीं 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 पैसों के मामले चो कोई क्यों क्यों इंज कर दिया सू अगो ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰ ਭਾਈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਢਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਸਵੀਟ ਕਰੀਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੇਜ਼ਰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਬੱਕਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚਾਵਲੀ ਵਾਕਈ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਨਾ ਸਮਝੀ
बाकी अब कप आते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा शुगर मिला वो भी, उसके बाद घर चलते हैं फिर व्लॉग एंड करते हैं घर जाके, तो करते हैं वेट अब फिर कप कप आने। तो यार फाइनली मेरी ब्लिजर्ड आ चुकी है और मैं अपनी आइसक्रीम अब चेक कर रहा हूँ इसको, ये आपको दिखाता हूँ। लोटस लगवाया था हमने खाने के लिए, ओ ते ओ यार ये क्या होगा, उसको पता तो नहीं लगा यार। वो मैंने कहा ये जमी होगी थोड़ा सा फनी करें, तो यार ये नीचे गिर गई है, अब तो मसला बन गया उसको। उसको पता लग गया उसने, कुत्ते ने मेरे घर पड़ जाना, लेकिन कोई नहीं हम जस करते हैं। तो आए 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 जस आ गई भाई, लोटस है चस्केदार, जो मर्दी बाकी गलां दियां गलां, लोटस है चस्केदार आइसक्रीम है भाई, जो भी है ना स्वीट क्रीम, पैसे कमा गई पाकिस्तान के बीच, नाम कमा गई है अपना। ओके बाय।